जसटी देख रहे हो तुसी, मैं केपी सिंह तुहाडा स्वागत करदा। बटाला ब्लास्ट होया ते उस तो बाद जांच की गल की थी कि है, जांच होनी चाहिए है, सारे मंग करते हैं है, पर जांच केड़ी होनी चाहिए है, मुढ़ली जांच विच की कहना चाहिए है ते की कार्रवाई करनी चाहिए, यह सवाल वक्रे है। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री जो बटाला पहुँचते हैं, मौके का जायजा लेंदे है, पीड़ित का हाल चाल जानते हैं तो भरोसा देते हैं कि जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पर नाल ही उन्होंने जांच 2017 जो हादसा होया 21 जनवरी 2017 उस जांच की भी गल कह दी, 2019 की जांच 2017 की जांच, दो जांच के विचाले कैप्टन अमरिंदर सिंह करे हुए नज़र आ रहे हैं। तो पंजाब की जनता उन्होंने सवाल पूछ रही है कि कैप्टन साहब कैसी जांच करोगे। अभी बहस क्यों कर रहे, तुम दस दिए बटाला धमाके सियासत हो रही है, सियासत होर पाखी है, बटाला की पटाखा फैक्ट्री में हादसे सियासत होर पाखी है, हादसे तीजे दिन पुछे मुख्यमंत्री ने मौके का जायजा लिया, पीड़ितों का भी हाल जानिया, हर संबंध का भरोसा दिता, हस्पताल भी गए हैं और उत्थे भी उन्होंने हाल चाल पूछा। कैप्टन ने कहा दोषियों नहीं बख्शांगे, मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट चलता वेखी, जनवरी 2017 में हादसे की जांच का की होया पता करांगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह वार बार 2017 का जिक्र कर रहे थे जो उन्होंने तो मीडिया सवाल कर रहा था, पता नहीं 2017 तो सुई क्यों अटकी सी। अगे तो हादसे रोकने चीफ सकत्र डीजीपी की अगुवाई में कमेटी बनेगी जी, पंजाब में होरना थावां ते भी रिपोर्ट तैयार करेगी कि कितने योजना थावां हैगियां, कितने यह हादसे है जोड़े हो सकते उन्होंने रोकया जा सके। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अकालिया सने होरना पार्टिया के आगू भी बटाला पुजे है, उन्होंने भी पीड़ित का दर्द वंडाया है, पता नहीं दर्द वंडाया कि मलम लाया, किहड़ा मलम लाया, सवाल सारे होणगे। सारिया पार्टिया की एक सुर में मंग है कि सिटिंग जज के हवाले होवे जांच। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या किया पहला सुन लिए, मैं जानना चाहना है कि होया कैसे। मैं सुनिया इतने साढ़े तो पहला जनवरी 1917 च एक वाकया होया सी, इनक्वायरी बैठी सी, वो कितने गई इनक्वायरी, क्यों नहीं पता लग्या, कैसे इन्हां नू चाहे होए एक बड़ी पुरानी एक संस्था जी बना रहे सी ये पटाके, लेकिन हुण 45 साल की चल रही है, लेकिन हुण जब शहर आले दुआले हो गया, देयर हैज़ टू बी सम सिस्टम, कुछ स्टैचुटरी कंप्लायंस होनी चाहिए है कि एक्सप्लोसिवस क्राउडेड एरिया दे विच नहीं बनने चाहिए। ये सारिया गल्लां असीं चैक करांगे वाई इट इज़ अलाउड और होर कितें पंजाब दे विच, आई कैन अश्योर यू कि आई विल पुट अ कमेटी हेडेड बाय चीफ सैकटरी एंड डी जी पी के पूरे पंजाब का न्याणा करन और दसन सानू कितें गलत हो रही ने, एंड वी विल शट देम डाउन। डिप्टी कमिश्नर साहब हुणी लगे ने साडे, दिस इशू हैज़ बीन ए जनवरी 2017 की गल है, साडी इलैक्शन हुई है मार्च में, साढ़े तो पहला की गल है, वी विल इनक्वायर उदों का क्यों नहीं इतने इन्वेस्टिगेशन हुई, एग्जैक्टली इनक्वायरी विल टेल अस, इनक्वायरी सानू दसेगी, वो इनक्वायरी जी 1917 वाली और चल रही है अज तक कंकलूड क्यों नहीं हुई, यह भी पता करेंगे, इन डिले किस गल की, जांच चल रही है। 2017 से कैप्टन साहब की सुई क्यों अटकी हुई है, तस्वीर 2017 की देखनी भी जरूरी है, 2017 2019 21 जनवरी 2017 में यह हादसा वापरिया, तस्वीरों में तुम देख सकते हो, यह पुरानी फुटेज है की है जी, फाइल फुटेज है जी तुम दिखा रहे हैं, तो इस शख्स की असं तस्वीर नहीं दिखा सकते क्योंकि इनका यहोजा हाल होया, शायद जोड़े नाजुक दिल वाले लोग है वो इस तस्वीर ना देख सकन। 21 जनवरी 2017 की तस्वीर हैगी है, उदों भी दर्द यहोजा ही, उदों जान माल का नुकसान घट होया, शायद इस करके वो जांच है जी ठंडे बस्ते पई रही है। हुण कैप्टन साहब कह रहे हैं कि उनकी भी जांच होगी, कैप्टन साहब ने इस तो पहला भी कई जांच मार की हैगी है, सवाल उसते भी हैगा कि वो जांच किहड़े अंजाम तक पहुंची हैगी है, चाहे वह अमृतसर हादसे की जांच होवे ते चाहे वह बरगाड़ी की जांच होवे, क्योंकि जांच पहलियां सरकारां ने भी मुकम्मल नहीं की, हुण वाली सरकार भी मुकम्मल नहीं कर रही। तो दूजी तस्वीर है 4 सितंबर 2019 जिहड़ी हुण जदों 23 लोगों की मौत हो जाती है, ये उदों की तस्वीर हैगी है जदों इस मुद्दे से सियासत पकती है। वैसे विरोधी पार्टियां सियासत इस मुद्दे से जा जाती है, पर जो मुख्यमंत्री खुद इस मुद्दे से सियासत कर फिर सवाल पूछने लाजमी होंगे। वड्डा सवाल क्यों पूछा गया इस डिबेट के, सवाल यह पूछा जाएगा बटाला धमाके की जांच 2017 ना जोड़ के 2019 किहड़ा इंसाफ दवाउणगे कैप्टन, इस सवाल पर बहस करांगे। पैनल साडा मौजूद हैगा, उन्हां दा तारुफ करा रहे हैं, सतिंदर सिंह बैंस जी ने पत्रकार ने, सतिंदर सिंह बैंस उन्हों का लंबा तजर्बा, तकरीबन 3 दहाके हो गए इन्हों पत्रकारिता दे, शायद थोड़ा समा इन्होंने उत्थे भी गुजारा है, समझने की कोशिश करा कि बटाला दे किहोजे इलाके है कि उस इलाके फैक्टरी है जी क्यों पनपती रही, कहती शह सी इस बैंस साहब, थोड़ा बहुत स्वागत है। टी आर सरंगल साहब,
ये सबका IAS ने यह गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं। गुरदासपुर 6/3/1995 तो 13/7/1995 तक डिप्टी कमिश्नर रहे हैं। इन्हों उ चप्पा चप्पा पता है, हालांकि समा इन्होंने थोड़ा गुजारा पर इन्हों पता है उत्थे की है। पर जिस तरीके दसया जा रहा है कि यह फैक्ट्री बड़ी पुरानी हैगी है, तो सुरंगा साहब तो समझने की कोशिश करा कि उदो ये भी उत्थे रहे कि नहीं रहे। थोड़ी एसोसीएशन इन्हों की कांग्रेस में रही है, पता नहीं हूँ कांग्रेस में डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। सुरंगा साहब थोड़ा बहुत स्वागत है। कुलतार सिंह संधवा आम आदमी पार्टी के विधायक ने कोटकपुरा, तो कुलतार सिंह संधवा हर के भी लंबा सियासी तजर्बा है। इन्होंने समझने की कोशिश करा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर इस पूरी सियासत में की नवा दसे की। कुलतार सिंह संधवा थोड़ा बहुत स्वागत है। गुरिंद सिंह बाली श्रोमणी अकाली दल के बुला रहे हैं। गुरिंद सिंह बाली हर का बड़ा लंबा तजर्बा है, तो इस तजर्बे के गुरिंद सिंह बाली हर समझने की कोशिश करा कि जांच जी किसी तन पत्तन लगती क्यों नहीं। जांच इन्हों की सरकार वेले भी होंगी रहती है, हूँ वाली सरकार भी करती रहती हैगी, पर जांच का अंजाम क्यों नहीं होंदा का, क्यों नहीं उस विच पीड़ित इंसाफ दिता जाता। हूँ समझने की कोशिश करा कि इंसाफ हो। कैप्टन बाली साहब थोड़ा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल कुलतार सिंह संधवा तुम्हें करना चाहूँगा। संधवा साहब, कैप्टन साहब 2017 की जाँच मांगते पे है नाल, हूँ 2019 चलता पे, 2017 की जाँच तो उन्होंने विच नाल ये गल कहती हैगी है, तुसी इस नाल इतफाक रखते हो? जाँच तो जाँच बिठाई चलो बस। देखो जी, सब तो पहला तो मैं उन्होंने परिवारों नाल हमदर्दी व्यक्त करना जिन्हां ते एड्डा वड्डा कहर गुजरिया, इस तो वड्डा कहर कोई नहीं हो सकता। और दूजी गल, मैनूं राजनीति नहीं करनी चाहिए शायद। अज कैप्टन अमरिंदर सिंह स्टेट का एक मुख्यमंत्री उत्थे गया और जिथे धमाका होया उहदे नाल ही उह जिहड़ा निक्का बच्चा जिहदी डैथ हुई उहदा घर है उत्थे, उहनां दे मां उत्थे पुत्र उहदे परिवार नूं मिलता आउंदे, कुछ दे के नहीं आउणा सी, उह किसे दे सिर ते हत्थ तां रखे आउंदे। इहदा मतलब ये सिर्फ खाना पूर्ति करन वास्ते उत्थे गए। दूजी गल जिहड़ी तुसीं पुछी आ बड़ी वड्डी गल है कि जांच उह कहिंदे 2017 वाली करांगे, उह 2017 वाली तां तुसीं इह देखोगे भी उत्थे होया कुछ क्यों नहीं, कोई एक्शन क्यों नहीं होया, ते हुण तुसीं क्यों नहीं एक्शन करदे ना? तुसीं सिर्फ ये गल कह के डीसी नवा आया, डीसी नवा नहीं, जिहड़ा पहला डीसी उहदा डीसी डीसी है, किसे नां ने फलाना सिंह जां फलाना कुमार ने एक्शन नहीं होना। उत्थे जिहड़ा डीसी दा मतलब जिहड़ा डीसी सी भावें उह नवां लग्गिया डीसी साहब नूं लग्गिया उत्थे 16/7/2018 दे डीसी साहब दी पोस्टिंग आ। कुलतार संधवा, एक साल तो उपर होगा डीसी साहब नूं उत्थे काम करदा, डीसी साहब नूं इह नहीं पता उत्थे हो की रिहा? मैं उही गल करदा, इत्थों दा डीसी इत्थों दा SSP दोनों नूं सस्पेंड करके घरे भेजना चाहीदा, फिर जाके सिस्टम पहली कार्रवाई इही होनी चाहीदी सी। डीसी SSP नूं सस्पेंड करना चाहीदा सी, बिल्कुल। एड्डा वड्डा कहर वापरिया और मैं तो कहना CM नूं इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं हो की रहा पंजाब दे विच। मतलब बड़ा एक्सप्लोजिव स्टोर करने बड़ा वड्डा इशू होंदा, इहदे वास्ते किन्ने थावां तों परमिशनां लैणियां पैंदियां और उत्थे थोड़ा DC SDO थोड़ा सारा अमला फैला, फिर कदे वास्ते असीं एड्डा ब्यूरोक्रेसी बिठाई है इत्थे, असीं करोड़ां रुपए खर्च करदे हां, खत्म करता सारा कुछ। सो एक्शन पहला करके 17 दी इंक्वायरी बिल्कुल करनी चाहिए है, लेकिन पहला यू शुड एक्ट मिस्टर कैप्टन मिस्टर CM। चलो, कांग्रेस का कोई बुलारा नहीं है, उन्होंने सवाल भी जरूर होने से। बाली साहब, तुसी इस पार्टी में नवे आए हो, पर मैं दसना तो जरूर पाऊगा दर्शकों को तुसी नवे आए हो, पर सवाल यह है कि एक दूजे ते इल्जाम तराशी करके कि असी पंजाब की जनता तो मुँह छुपाने की कोशिश में लगे हुए? नहीं, मैनू ए नहीं लगता है भी कोई मुँह छुपाने वाली गल हैगी, तो सच्चाई है जड़ी सच्चाई है। जिदा MLA साहब ने दसी ये गल, मैं इस कहने कोई आप कई बार कह दें आप मिल गए जी, आप गल कर रही, ये सच्चाई तो कौन मुकर सकता? असी दोबारे सारे TV उत्ते ये गल कही, अज मुख्यमंत्री तीजे दिन पहुंचा 200 किलोमीटर, तो मुख्यमंत्री तो बाहर बाथरूम कर जाए तो भी उन्होंने हैलीकॉप्टर चाहिए, तो जी वो दिल्ली बैठे सन तो इतों दिल्ली तो इतने आने कितना टाइम लगता सी, तीजे दिन अज मुख्यमंत्री आया इतने। फजूल गल्लां करदे ने मुख्यमंत्री, मैनूं कहण च कोई इतराज नहीं, फजूल गल्लां करदे ने, मैं तो बहुत टाइम उन्हां नाल बताया, फजूल गल्लां हर वेले उन्हां दे फजूल गल्लां होंदियां, मुख्यमंत्री कभी पायदार गल नहीं करते है। अज 23 बंदे मर गए ने, बच्चे भी बेच बेचारे मर गए ने, यंगस्टर भी मर गए ने, जिहड़े उन्होंने विधवा हो गई जनानियां और बजुर्ग माता के पुत्र चले गए हैं, तो कहते हैं मैं 17 की जाँच करावगा। अज जी जाँच थोड़े उत्थे होया ब्लास्ट, जाँच करने की बजाय तुम कहते हो जी मैं पिछली 17 की जाँच करावगा, उस तो बाद कहते मेरा DC नवा आया, तुम दस एक साल हो गया DC आया, ये कहते जी मैंने पता ही कुछ नहीं है,
ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਸ਼ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸੱਤਾ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੋੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਤਾ। ਮੈਂ ਛੋੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ? ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ 23 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਛੋੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਬਟਾਲਾ ਧਮਾਕੇ ਜਾਂਚ 2017 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਕੈਪਟਨ? ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਇਨਸਾਫ ਮਨਸੂਫ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਐਸਨੈਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਆਹ ਹੁਣੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 60 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੋਰ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, 5 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਟਿੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 2017 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਨਗੜ੍ਹ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਟਾਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਨਗੜ੍ਹ, ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟਾਕੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2-4 ਬੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਟਾਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਟਾਕੇ ਪਟਾਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ MC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਜਿਸਟੀਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੀਸੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੀਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ADC ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ADC ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੇ ADC ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ADC ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਰਦਾ। ADC ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ DC ਤੋਂ? ADC ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
जे आपां इह मन के चलदे आ कि इह डीसी एसएसपी ही दोषी ने ते फिर होम सैकटरी जां चलो जे जे पहली पहली बार च मन्या जावे कि इस विच कौन दोषी हो सकदा एसएचओ कौंसलर एमएलए कौन हो सकदा देखो इहदे लई मेरे लई तां इह कहना बहुत मुश्किल हैगा भी कौन दोषी होएगा दोषी लभण दी कोशिश दे नहीं सरंगल साहब एक हुंदा ना जिहनूं जिहनूं घर घर दा पता हुंदा पुलिस कोल इक रजिस्टर लग्गिया हुंदा उस रजिस्टर दे विच घर घर दा पता हुंदा फैक्टरी दा पता हुंदा किथे की चल रिहा किथे नहीं चल रिहागा जां तां आपां इह कह दईए पुलिस विचों कोई दोषी हैगा एस एच ओ लैवल का बंदा जिहड़ा उस इलाके दे विच एस एच ओ सीगा जां असीं कह दईए कि उस इलाके दा कौंसलर दोषी हैगा सीगा जां असीं कह दईए कोई एडमिनिस्ट्रेटर दे तौर ते उत्ते उह कोई दोषी है किसे नूं तां असीं जिम्मेवारी देनी पौगी ना ठहराउणा पौगा के पी जी इदां हैगा कि अजिहे लाइसेंस जिहड़े ने ये इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट के अधीन वो पहले जिहड़ा हैगा प्रधानगी तो बाद इस एक्ट के अधीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर ने 3 साल का लाइसेंस है लाइसेंस खत्म होने तो 3 महीने पहले अप्लाई करना दोबारा सारिया वेरीफिकेशन होंदिया ने दोबारा जिहड़ा हैगा उहदा मुआयना किया जाता स्पॉट का और उस तो बाद लाइसेंस न्यू किया जाता है सो इस करके पता नहीं ये की होया कि कहें कि 2013 तो बाद रिन्यूअल नहीं हैगी 2017 के भी ब्लास्ट होया जिसे एक बंदा मरिया तो जिसे इनक्वायरी भी ऑर्डर हुई हुई है वह नहीं पता लग रहा 2017 की FIR का पता नहीं लग रहा इन्ने लंबे जो वे स्केल से जो कोताहियां ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर क्योंकि उतों मंजूरी मिलती है तो उन्होंने को रिकॉर्ड हैगा तो जो रिकॉर्ड हैगा तो उन्होंने 3 महीने पहले तो ही जां तो उसनों कहो भी तू रिन्यू कर अपने पेपर दे ते या अपने ऑपरेशन बंद करे जिन्नी देर तक रिन्यू नहीं हुंदा सो ये पचीदा इहदे विच इनवायरमेंट वाला डिपार्टमेंट हैगा फायर वाला हैगा पुलिस वाले है ने म्यूनसिपैलिटी है किसी ना किसी वजह ना कई बार फॉरैसट वाला भी हुंदा तो ये सारे महकमे च हुण किसकी कोताही है किहदी दोष है बिना लाइसेंस रिन्यू होए एक किदां ये चलती रही है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नूं पासे करके इसकी इनक्वायरी होनी चाहिए सी या नहीं सरंगल साहब कमिश्नर साहब कर सकते ने अगर आप मन के चलते हैं और एपरेंटली इहदे च लगता हैगा कि भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे ही दफ्तर तो रिन्यू हुंदा है तो उसके दोषी होने की संभावना है तो फिर कमिश्नर साहब कर सकते डीसी साहब तो नाल तुरे फिरदे कैप्टन साहब दे तो डिप्टी कमिश्नर ने तो देखो दूजियां पार्टियां कह रही हैं कि इन्हां तो छुपाया जा रहा है कि दसणगे कैप्टन साहब मैं इस बारे कोई टिप्पणी नहीं कर पावांगा क्योंकि जितनी देर वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसी लगे ने तो मुख्यमंत्री गए ने तो केवल उही जाणगे ना आपां इह ते नहीं कह सकते कि जी आपां उन्हां नूं दोषी किद्दां मन लईए पहलां ही तो पहलां उन्हां कहीए कि तुसीं तां परे हो जाओ जी संतवा साहब तुसीं तां कह रहे डीसी एसएसपी नूं पहलां पासे करो देखो जी जिले दे विच स्टेट दे विच मुख्यमंत्री जिले दे विच डीसी और एसएसपी दी ही जिम्मेवारी हुंदी है उन्होंने ही एक्शन लेना होंदा है उन्होंने देखना होंदा कि एक्टिविटीज़ लोगों लिए चंगी हैं कि एक्टिविटीज़ ना लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकती है जान जानी माली नुकसान हो सकता है ये डीसी एसएसपी लाएगा रहा फिर उ इस करके नहीं भी जो कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई हादसा हो जाए उस बाद लाशा गिननी है तो मुआवजा देना इस का यह काम नहीं है डीसी एसएसपी का डीसी एसएसपी का काम है उत्थे ऑर्डर मेनटेन करके रखना उत्थे कानून अनुसार सारी एक्टिविटीज़ को करवाना जो नहीं हो रही थी वह गैर कानूनी सी तो वो सीधा सीधा डीसी और एसएसपी जिम्मेवार है बाली साहब तुहाडे हिसाब नाल भी डीसी एसएसपी नूं पहला लांबे करना चाहिए देखो जी कायदा तो यही कहिंदा हैगा जे आपां इह गल करिए ना एक तुसी जिहड़ी गल कही है ना कि मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने डीसी नूं अपॉइंट करता है डीसी मेरे ख्याल उन्होंने किया विच मुख्यमंत्री ने मे बी मैं रोंग हो सकता पर उन्होंने किया कि मैं चीफ सैकटरी नूं भी नहीं वो तो पूरे पंजाब वाले पूरे पंजाब वाले कहिंदे सारे हालात इह भी मैनूं बड़ी गल वक्खरी जी लगदी है जी भी तुहाडे कोले इक काउंसल ऑफ मिनिस्टर्स है ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓਗੇ ਮਤਲਬ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ 2017 ਤੇ 2019 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਧਮਾਕੇ ਜਾਂਚ 2017 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ
पता है जानकारी या नहीं? मेरे नोटिस दे विच अजही फैक्ट्री नहीं है, कोई इहदा कदी भी जिकर नहीं होया हैगा। क्योंकि कैप्टन साहब कह रहे ना 45 साल तो है फैक्ट्री, तो कोई गल नहीं, भावे 100 साल ते 22 साल तो कह रहे हैं, भावे 100 साल तो होए ओदी रिन्यूअल ते हाथ 3 साल बाद ही होनी है ना। मखसूस समय लिए दिता है, मखसूस समय जिस दिन एक्सपायर होंगे उस तो 3 महीने पहले ही अपने दादा उसने अप्लाई करना है, जो नहीं करता तो आप क्लोज करा। सरंगल साहब आप एक सवाल थोड़ा टैक्नीकल है, आप जो इस तरीके समझा जाए कि जो इनका लाइसेंस पहली बार बनया उस तो बाद जिन्नी बार रिन्यू होया जो तक रिन्यू हों उस कार्यकाल के सारे डिप्टी कमिश्नर एस एस पी उस इनकुआरी मार्क होने चाहिए कि नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो ये फैक्ट्री का लाइसेंस दिता है इन्हें सारिया शर्त पूरिया कीतिया ने और उस वेले हो सकता इतने आबादी ना हो। ज्यों ज्यों देखो अपने देखना की है सेफ्टी, उस वेले सेफ्टी एंगल तो अगर शुरू के 10 साल 15 साल 20 साल जे सेफ्टी म्यारां नूं पूरा करती रही है तो फिर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ने देख के रिन्यू किया तो उन्होंने तो कोई रोल ही नहीं है। हुण तां इसकी रिन्यूअल हो ही नहीं है और नहीं, जो तक रिन्यूअल होंदी रही सरंगल साहब होंदी रही, उस तो बाद आबादी आ गई सी इत्थे 30 साल तो 1981 दे विच तकरीबन उत्थे स्कूल खुल चुकिया सीगा, वो आबादी विच आउंदा कि नहीं आउंदा? मसले नु होर उलझा के और इस नु नथिंग नेक्स्ट तक पहुंचने वाली गल होगी। जे 2013 तो जिहड़ी रिन्यूअल नहीं हुई उदों तो आपां लै लईए तां वी लपेटे च बहुत सारे लोग आ जाणगे, आपां इन्नियां दे खिलाफ ही कारवाई कर लईए ते अगों आपे सुधर जाएगा। हाँ हाँ जी बाली साहब की कहना? देखो सब तो वड्डी गल है डीसी साहब मानयोग ने, कोई ऐसी गल नहीं हैगा, हो सकदा साडे कोल कोई गलत है, मगर जिहड़ियां इहो जिहियां फैक्ट्रियां ने जिहड़े शराब दे ठेके हैगे ने जिहड़ियां होर इहो जिहियां खतरनाक फैक्ट्रियां हमेशा 2 तो 3 किलोमीटर शहर तो बाहर हुंदियां ने और लाइसेंस दिता ही नहीं जा सकता जे स्कूल नेड़े होवे जे गुरुद्वारा नेड़े होवे। फिर तो तुहाडी सरकार ते सवाल उठदे आ 10 साल तुहाडी सरकार, मेरी सरकार, मैं अपनी सरकार नूं कह रहा जी। नहीं बाली साहब आउणगे ना सवाल सारे ते उठणगे, आपदे आप ते भी पुछो ना। ओ है नहीं ना कड़ी दल च, नहीं तां मैं 4 महीने पहले अकाली दल च मैं गल करूंगा ना 30 महीने की सरकार ने की किया 3 महीने की सरकार ने अगर देखे उसका रेवन्यू नहीं होया लाइसेंस तो उसकी। दूसरी गल अगर इनक्वायरी चल रही थी अगर ये सरकार मार्च च आ गई सी तो फिर इन्हें इनक्वायरी कंटिन्यू रखनी चाहिए सी, क्यों नहीं रखी इन्हें कंटिन्यू इनक्वायरी? अज ये कहने मैं पिछली इनक्वायरी खोलूंगा, वो इनक्वायरी नु बंद क्यों किया इन्होंने? वो इनक्वायरी कंटिन्यू होनी चाहिए सी और जिहड़ी अज दी इनक्वायरी कहने मैं इनक्वायरी बाहर करांगा, यानी इन्होंने ठंडे बस्से च अज ही पाता सारे नु क्लीन चिट देती इन्होंने, वो इनक्वायरी बंद क्यों कीती इन्होंने मार्च वाली जिहड़ी वो इनक्वायरी आई सी पिछली सरकार? ठीक है ठीक है। बैंस साहब इन्हां दा सवाल ही वाजब हैगा, जो ये हादसा 2017 वापरद वो जनवरी महीना हैगा, सवाल यह हैगा कि फरवरी के इतने इलैक्शन अनाउंस हो जाते हैं, कुछ समय ना सरकार रही हैगी है। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां कुछ दिनों के केड़ी जांच है जिहड़ी वो इन्हां ते पा देणगे, ते जे जांच वाकई इन्होंने करनी हैगी है ते आपदे किहड़े अधिकारी आ जां आपदे किहड़े सियासतदान उन्हां नूं घेरे च पा लैणगे? देखो जिहड़ा जिवें सरंगल साहब ने भी कहा जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है ना उन्हें असीं पोलिटिकल पार्ट नाल नहीं जोड़ सकते। चेंज ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यह नहीं है कि इनकुआरी खत्म हो जाए, जे एक हादसा होया मिनिस्टर इनकुआरी ऑर्डर हुई है तो उस वक्त जिस भी SDM ने या ADC ने इनकुआरी की होगी 100% उन्हें रिपोर्ट दी होगी, वो गल लहद आया कि रिपोर्ट के उत्ते कोई फॉलोअप नहीं होया या कम नहीं हो, बहुत सारे इनकुआरियां साढ़े मैं प्रोफेशन देखे बहुत सारिया इदा इनकुआरियां आदि नहीं है जिन्होंने उत्ते कोई फॉलोअप नहीं होया, जे कि माड़ी मोटी सरकार की अणगहली आँदी सी तो उन्होंने ऑफिशियल एक्ट ला के उन्होंने अंदर कर देंगे, बाहर नहीं आती रिपोर्ट। सो इस तरीके जी एडमिशन चलती है जो बहुत सारा जो खमियाजा लोगों को भुगतना पैंदा है, वो ये जरूरी नहीं कि तुम पटाकों की एक गल हैगी है, इस तो बिना होर बहुत सारे इदा के हादसे पंजाब होंगे रहेंगे हैं, कोई फ्लड आ गए कभी कुछ हो गए, बेसिक गल यह है कि रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स नहीं की जाती, फिर कितना कितने पॉलिटिशियन का कोई रिश्तेदार निकल आया कोई किसी का साडू कोई कदा ताया
वो गल उ आके मुक जाती है कि इन यार हूँ रहने दो जो होना चाहिए हो गया अगर ध्यान रखा इतने आके गल मुक जाती है। सो इस करके कोई इदा की संभावना मैं नहीं लगती कि इस बटाले वाले हादसे में भी जो कुछ कोई बहुत ज़्यादा एक्शन होगा। ठीक है कुलदार संधवा एक मैं थोड़े तो समझना चाहना तुम तो अक्सर थोड़ा वाह वास्ता पैदा रहता पुलिस थाने सवाल यह है कि जसपाल सिंह एफ आई आर दर्ज की जाती है जसपाल सिंह इस दुनिया में नहीं है तो पुलिस की मजबूरी है कि जिंदे नाम से आखिरी मालकी जां आखिरी लाइसेंस शो हो रहा है उसके नाम से एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए है जां इस पूरे मामले दे विच भी कोई कुताही नज़र आ रही है। देखो जी वो तो जो बंदा इलीगल एक्टिविटी कर रहा है उसे ही होनी है ये मतलब कोई मैं इन क्वेश्चन नहीं करता वो इस दुनिया च नहीं है लेकिन इंक्वायरी तो उतनी चलनी है ना इंक्वायरी तो उतनी चलनी है पर अगली गल ये है मैं ये समझ नहीं आती भी ये इंक्वायरिया का बनना की है। 1986 चार जेडे बच्चों का मूँह च पिस्टल पा के उन्होंने मारिया गया AK-47 मारिया गया वो इंक्वायरी की विधानसभा रिपोर्ट पेश हुई असं अज उतों रिपोर्ट मंगते सू रिपोर्ट का अद्धा पार्ट दिता जाता जी एक्शन वाला पार्ट दिता ही नहीं जाता जे विधानसभा के कानून थोड़ी इनकुआरी की रिपोर्ट नहीं मतलब वह कोई एक्शन नहीं होंगे तो फिर हो कितने अच्छा जेडे बंद रिपोर्ट इंडिक्ट करती है उन्होंने अकाली दल टिकटा दिता उन्होंने लीडर बना वो मैं ना वो सच्चा पाशाह कितने जाके खड़ू साड़ी राजनीति कि लोगों को ये समझते भी लोगों का याददाश्त नहीं है लोगों की जोगों आप जिमें उन्होंने कान च फूक मार देंगे उवें वजन लग पैणगे ये गल्लां भुल जाने हुण साडे बच्चे पढ़ गए आ असी सब कुछ जानते हैं और इस चीज़ नूं सुधार लाँगे आपां अज सुधरिया नहीं है पर सुधरू उवें जे तुसीं इसे तरह सवाल करते रहे ये इनकुआरिया इनकुआरिया के रिजल्ट ते ये मैं तो कहना एक स्पैशल सैशन होना चाहिए एक हफ्ते का सैशन जिन्ने कमीशन बने आ सारिया नूं डिस्कस किया जाए फिर पता लगे फिर अगे तो गलती करने वाले भी डरनगे तो इनकुआरी बनाने वाले भी डरनगे तो जिहड़े गलती करनगे उन्हें सजा मिल जाएगी। हाँ जी देखो एक बड़ी जी उस वक्त जब कैप्टन कमलजीत सिंह के हादसे च मौत हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर से फॉर्मर उदो मिनिस्टर इनक्वायरी हुई थी वो मिनिस्टर इनक्वायरी अज तक बाहर नहीं आई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ला के मजिस्ट्रेट इनक्वायरी है जिहड़ी अंजाम तक पहुंची मैं दस्सदा जिहड़े आईएएस अफसर ने इनक्वायरी की सी ही वाज फोर्स टू रिजाइन उन्हूं बेइज्जत किया गया अकाली दल के टाइम के इदा दी पोस्टां ते लाया गया जिथे पीसीएस अफसर तो भी थले वाली पोस्टां अल्टीमेटली अपनी पोस्ट तो रिजाइन करना पाया। सो इस तरह की जलालत जिहड़े करदे आ जे तुसीं कोई अफसर जिहड़ा है वह इनक्वायरी करता है और वो सच लिखता है तो वो फिर इस तरह का हालत करते पॉलिटिशियन जी क्लास है इस तरीके सरंगल साहब इस सवाल का जवाब तो मैं लगता बेहतर दे सकते हो पोलीटल प्रैशर रहा पोलीटल प्रैशर बहुत ज़्यादा होंगे जी। मैंने याद है कि मैं जब गुरदासपुर DCC के बधाणी स्कूल के बच्चों वो लैके गए थे हिमाचल कोई जगह आ पिंड उ लै गए थे तो बच्चे अनफॉर्चुनेटली 7-8 बच्चों की मौत हो गई दरिया च डुब के ब्यास में बच्चे फन कर रहे थे वो मैं उत्थे गया अगले दिन तो बड़ा माहौल खराब सीगा 7-8 बच्चे दी लाशां उत्थे दरिया के किनारे ते पईआं सी उस वेले उस केस दे विच मेरे ते मतलब उस अगले दिन इन्ना प्रैशर सीगा पहली गल कि जी कहिंदे तुसीं उत्थे जाओ ना दूजा कहिंदे जी कि इहदा मजिस्ट्रेट इनक्वायरी ना करो ना इहदी अनाउंस ही ना करो इहदा कोई कसूर नहीं वो फिर कीती लेकिन मैनूं नहीं पता उहदा की अंजाम होया। होर भी बहुत सारी इनक्वायरियां ऐसियां ने जिद्दां बैंस साहब ने भी कहा हैगा ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ DC ਔਰ SP ਔਰ DSP ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਇਹਦੀ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਕੁਤਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ DC ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ मैं हो सकता उस वे अंजान होवगा मैं क्या कि जिथे हाईएसट अफसर बैठा है तो गोली चलती है तो वो जिम्मेवारी है वो मैं उदों भी किया कि कल्ले DSP तो पा रहे थे तो मैं क्या कल्ले DSP की जिम्मेवारी जो हाईएसट अफसर उस वे DC बैठा है जिम्मेवारी जी अनाउंस तो मैजिस्ट्रेट ने करनी है गोली DSP के हुक्म थोड़ी चलनी है लेकिन मैं नहीं पता कि उस इनक्वायरी का की होया। चलो मैनू अज तक नहीं आनंदपुर साहब इदां दा हादसा होया सी कर विसाखी दे उत्ते
सुरजीत सिंह बरनाले की रैली चल रही थी उत्थे गोली चलाई सी उस वक्त मैं याद नहीं क्यों होया सीगा वो हादसा बी एस एफ वगैरह लाई हुई थी काफ़ी उत्थे रौला रुप्पा सीगा अठ बंदे मर गए सीगे उत्थे तहसीलदार जिहड़ा हाजिर नहीं सीगा उस वक्त वो बाद साइन कराए गए थे वो गोली के ऑर्डर से और मजिस्ट्रियल इनकुआरी वो भी हुई थी वह भी कुछ नहीं बनया इधर के बहुत सारे हादसे किसी को भी याद नहीं मजिस्ट्रियल इनकुआरी का किसी को कुछ बनया पूरा गोली कांड है इधर भी मजिस्ट्रियल इनकुआरी का देखो ये सॉरी ये सिस्टम जिहड़ा सीगा ब्रिटिश पीरियड स्टार्ट होया सीगा मैं कहना कि अज भी मैं कहना कि ब्रिटिश पीरियड फिर भी थोड़ा बहुत जस्टिफाइड सीगा मलेरकोटले के कांड के भैणी साहब वाले की जी गोली चली सी बंदे मरे सीगे उस केस इनकुआरी तो बाद डीसी जिहड़ा सी डिसमिस होया सीगा वह चलो उन्होंने मारन करके नहीं होया सी उन्हें कहा कि लुधियाने का डीसी जिहड़ा हैगा वह जिहड़ा अंबाले का डीसी आया सी उत्थे कि लुधिया जिहड़ा स्टेट का एरिया है उस वेले वह नवाब का एरिया सी उन्हें कहा कि अपने एरिए तो बाद जाके उसने ऑर्डर किया उदों नूं सज़ा होई सी ठीक है एक छोटा जिहा ब्रेक लैने ब्रेक तो वापस आवेंगे बहुत सारे सवाल है सवाल पूछने लाजमी है जो सवाल पूछने बंद कर देवे शायद जाँच बारे कह के ही सानू भरोसा दे दिता जाएगा पर इस भरोसे तो अगे सानू पूछना पवेगा जांच तो बाद की होगा सवाल असी पहला भी पूछ चुके हैं हुण भी पूछ रहे हैं कि जेडे पीड़ित है कि उन्हां दा की बनूगा 2 लाख की राहत राशि ना माली इमदाद ना उन्हां दा कुछ नहीं बनना गा जेडे फैक्टरी तो बाहर सीगे उन्हां दा की कसूर हैगा जिन्हां दा नुकसान होया जिन्हां दी गड्डियां थले दब गए जिन्हां दी फैक्टरी उड़ गई जिन्हां दे घर तबाह हो गए जिन्हां दे बच्चे इस हादसे विच मर गए हैगे जिन्हां दे जी इस हादसे विच मर गए हैगे उन्हां नूं इस माली इमदाद नाल की सहायता मिलेगी बहुत सारे सवाल हो जाए कि ब्रेक तो वापस आ रहे केड़ी जांच करनगे कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बटाला धमाके की जांच 2017 नाल जोड़ के 2019 विच केड़ा इंसाफ दवाउणगे कैप्टन सरंगल साहब सवाल मुख्यमंत्री साहब ते है सवाल सरकार ते है मेरा सवाल है सरंगल साहब उन्हां पीड़ितां दा की बनूगा जिन्हां दा सब कुछ इस हादसे में चला गया है जिन्हां दा कोई कसूर नहीं सीगा ते जिहड़े कसूरवार आ उह वी विच चले गए है कि सवाल है हुण इस तो बाद अगे जांच तो बाद अगे की होगा देखो जी जदों किसी का जीयां का नुकसान हुंदा ते सारा कुछ बेचारे थोड़े दिन का सोग करके तो वह फिर दफ्तरां दे धक्के ही खाने ने कि जिहड़ी कंपनसेशन अनाउंस की वह दे दो सानू जी नौकरी दे दो कई कई साल ये केस लटकते रहने ने किसी नूं मिल जाना तो किसी नूं नहीं मिलना हैगा सो ये लॉस जिन्ने भी हुंदे ने ये इंडिविजुअल लैवल ते हुंदे ने इहना इनकुआरी दे विच्चों ना इहदा कदी कोई फॉलोअप होना ना इहदी किसी नूं सज़ा मिलनी हैगी है कुछ नहीं होना जिन्हां नूं सज़ा मिलनी सीगी वह गरीबां नूं सज़ा जिहड़ी हैगी है मिल चुकी है अपने अमृतसर वाला जिहड़ा ताज़ा इंसीडेंट हैगी है जिहदे च भारी गिणती दे विच जिहड़े कुछ प्रवासी भी सन कुछ अपने उत्थों लोकल भी सीगे उहनां नूं कदी उहनां दी भी इंटू करके पुछो कि उहनां नूं की मिलिया हुण तक बस उस बहुत सियासत हो रही है सरंगल साहब अज तक सियासत हो रही है फिर कि सानू एक बड़ी शर्मनाक गल आ कि किसी का बंदा मरिया तो आप चैक देन लग्या भी फोटो खिचा के तो चाहते हैं कि टीवी पर जरूर एक बार आ जाए किहड़ा आपां एडा वड्डा कारनामा किया कि जिहड़ी असीं उहनूं बड़ा वड्डा इनाम दे रहे हैं वह तो रोंदियां अखां दे नाल जिहड़ा हैगा चैक रिसीव कर रहे हैं तो साडी जिहड़ी अखां ने उहदे वल नहीं हुंदियां चैक साडे हत्थ च हुंदा अखां साडियां कैमरे वल हुंदियां ने बहुत अफसोस इन्नी कु ही सियासत हैगा यही हशद जिहड़ा हैगा इस वारदात का होना है सरकार के कागजां दे विच एडमिनिस्ट्रेशन के कागजां च एक महज एक हादसा है तो थोड़े दिन बाद इहनूं सरकारी तौर पर इहदा भोग पै जाणा बहिस साहब एक इन्होंने गल की है सरकारी तौर पर इहदा भोग पै जाणा सरंगल साहब की गल नूं असी ऐ मुढ़ो खारज नहीं कर सकते बहुत लंबा तजर्बा सरंगल साहब का जिहड़ी गल कह रहे हैं उहदे च वजन हैगा पर सवाल साढ़े ते भी हैगा बहिस साहब असी मीडिया हुण इस मुद्दे ते डिबेट करदे पए इस तों बाद असी भी छड्ड देणा बहिस साहब देखो मीडिया का जिहड़ा मैं समझदा कि रोल इत्थे जरूर इंपोर्टेंट हैगा कि मीडिया नूं फॉलोअप करना चाहिए है पर मीडिया भी किस हद तक फॉलोअप करे किन्ने किन्ने साल जिहड़ी चीज़ां लटक जांदी है तुसीं देखो जिहड़ी एक मजिस्ट्रियल इनकुआरी और जुडिशियल इनकुआरी है जिहड़ी आपां जुडिशियल कमीशन बणांदियां सरकारां एक जिहड़े एक तरह के उहदे विच प्रोविजन की गई सी ताकि जिहड़ा जस्टिस लोकां नूं दित्ता जाए पर जिहड़े साडे पोलिटिकल सिस्टम है उहनूं उह चीज़ां नूं एक्सपाइड करदे आ हुण देखो रणिंदर सिंह दे पिछली सरकार दे विच एलीगेशन लगे सी इन्हां ने फॉरन जिहड़ी इन्वेस्टमेंट की आ बाहरले फॉरन अकाउंट खोले वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ एक आई टी कंपनी दे नाल इन्हां ने पंजाब सरकार दे ब्याह दे उत्ते कोई पार्टनरशिप की सी और पिछली सरकार दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वन मैन जुडिशियल कमीशन बनाया और उन्हों क्लीन चिट देती उस तो बाद जदों इन्हां दी अकालियां दी सरकार आई है उदों इन्हां दा मलूका साहब दे उत्ते एलीगेशन लगे बुक स्कैम होया होर स्कैम होए
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਨ ਮੈਨ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਤਾ ਸਾਰਾ, ਉਸਨੇ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ? ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਡੀਸੀ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ 30 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 30 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, 30 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ? ਦੱਸੋ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਊਟਕਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਜੇ 3 ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੈਮੇਡੀਅਲ ਮਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਸਨ ਲਰਨਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।